हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग और हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो इसमें एक स्पेसिफिक टर्म आता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन एंड देयर डेरिवेटिव एंड सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन। तो हेडिंग दीजिएगा जरा सा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन एंड सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन। सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन, ठीक है, एंड पिरिडीन डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आता है इसके अंदर। पिरिडीन देखिए, ये आपका ये ले लो, ये पिरिडीन हो गया। अब अगर हम पिरिडीन डेरिवेटिव की बात करें, ये ले लो, ये ले लीजिए, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन हो गया। दूसरा, आप पिरिडिनियम साल्ट ले सकते हैं, ये ले लो, ये आपका पिरिडिनियम साल्ट हो गया, पिरिडीन, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन, पिरिडिनियम साल्ट, पिरिडीन एनऑक्साइड ले लीजिए, पिरिडीन पिरिडीन एनऑक्साइड हो गया, पाइरिडोन ले लीजिए, ये ले लो, ये आपका क्या हो गया, ऐसा कर लो, ये आपका पायरिडोन हो गया। और एक्चुअली देखिए, ये आपका टू पायरिडोन हो गया, देखिए आपका पिरिडीन एनऑक्साइड, पिरिडिनियम साल्ट, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन, पिरिडीन टू पायरिडोन। एक बात समझिएगा, ये जो आप पायरेडोन लिखे हैं ना, मतलब पायरेडोन में भी स्पेशली टू पायरेडोन, इसका केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री होता है। पायरेडोन के बारे में कहा जाता है कि ये अपना एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है, लेकिन पायरेडोन एरोमेटिसिटी लूज नहीं करता है। टू पायरेडोन एरोमेटिक होता है, फोर पायरेडोन का थोड़ा सा एरोमेटिसिटी लूज होता है, समझ रहे मेरी बात। टू पायरेडोन बहुत अच्छा एरोमेटिक होता है, फोर पायरेडोन भी लिख लीजिए, ये देख लो, ये आपका फोर पायरेडोन, क्या हो गया, टू पायरेडोन, फोर पायरेडोन। और अगर आप इतना लिए ही हैं तो एक और ले लीजिए, क्विनोलीन और आइसोक्विनोलीन को क्यों छोड़िएगा, उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। तो
ये बात हो गई। अब देखिए बात करते हैं हम जरा सा पिरिडीन के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें पिरिडीन के ऊपर, देख लो यही है, तो जनरली इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम कुछ विशेष कंडीशन लगा दें, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे दें, तो यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, बहुत स्लो देता है, 3 नंबर कार्बन पर देता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नॉर्मली डजंट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट इन स्पेसिफिक कंडीशन इट गिव्स एट C3 कार्बन। दूसरा लीजिए सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन की अगर हम बात करें, तो अगर आप क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट अगर आप लगा दें 2 नंबर पे, मान लो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, तो क्या होगा, तो भी ये देगा 3 नंबर पे। कहां देगा, 3, मतलब 3 या 5 दोनों पे दे सकता है, या तो ये नंबरिंग दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या तो 3 या फिर 5 अगर 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तब। अब अगर आपका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह भी इसको आप ले सकते हैं, तो ऐसा भी होता है, और एक आपका नॉर्मल हो गया, एक आपका 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। अब अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दें किस पे, 4 नंबर पे, मान लो ये कर दो, दिस वन इज R, इस केस में क्या होता है, इसमें भी 3 नंबर पे देता है, कहां देता है, 3 नंबर पे। एक केस बस ऐसा होता है जिसमें कि 2 नंबर पे देता है। अगर आप 3 नंबर पे लगा दें, क्या करो, अगर आप 3 नंबर पे लगा दोगे, ये देखो, ये कर दो अगर आप, ठीक है, और R यहां लगा दो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, या तो इस जगह पे देगा C2 या फिर इस जगह पे देगा C5। समझ रहे मेरी बात, तो ये बात हो गई हमारा पिरिडीन और सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन की। इसमें 1-2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं हम, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा पिरिडीन, पिरिडीन कोमा दीजिए, नॉन सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन, नॉन सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन नॉर्मली नॉर्मली डज नॉट गिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नॉर्मली डज नॉट गिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इफ अकर एट हाई टेम्परेचर, इफ अकर एट हाई टेम्परेचर, देन C3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर, C3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर। अगला स्टार लगाइए, लिखिए पिरिडीन हैविंग एक्टिवेटेड सब्स्टिट्यूएंट आइदर एट 2, 3, 4 पोजिशन,
either at 2, 3, 4 position, the incoming electrophile preferentially come at ortho and para to activating group. ठीक है, इस बात को लिख लीजिए और ये कुछ क्वेश्चन है 3-4, इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। एक बात देखिए, हम लास्ट में बोले थे यहां पर क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन लिख देने के लिए, लिख भी लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन सब में नहीं होगा। बाकी इसमें अगर आप देखें इस वाले केस में, तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा, हर एक एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान दें तो नाइट्रेशन जो होगा इसमें कहां पर होगा, अगर आप इस जगह पे लें, ध्यान से देखो, अगर इस जगह पे लिए हैं तो कहां पर हो रहा है, C3 पे हो रहा है। अगर आप दो नंबर पे ले रहे हैं तो कहां पर जा रहा है, 3 नंबर पे जुड़ेगा। अगर आप इस जगह पे लें, मतलब सिंपल है, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। तो इसमें भी सब में देख लेना, हम आपको थ्योरी बता दिए हैं कि कैसे क्या होगा, आप इसको करके देखिएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो हमसे पूछिएगा, बता देंगे, ठीक है, नोट कर लो।